गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र। देखो बेटा, यह फुटबॉल के बारे में बताया गया है। फुटबॉल खेल में यह पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, टोल्ड ऑन द डे। किस किस पर ध्यान रखना चाहिए फुटबॉल खेलते समय, किस किस पर ध्यान रखना चाहिए, एक बार मैं फिर से वो दोहराती। एक बार देखो, फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, वन पर्सन इज नहीं खेलना चाहिए, यह टीम का खेल है, मिलजुल कर खेलने का खेल है, यह ताकत और सावधानी वेरी केयरफुल से खेलना चाहिए और ताकत भी रहना चाहिए, यह चुस्ती का खेल है, नजर देखकर अच्छी तरह खेलना चाहिए। और किस किस पर नजर? फुटबॉल पर नजर, साथियों पर नजर, विपक्षी ओपोजिशन पर नजर, और गोल पर नजर, और लाइन पर नजर, और समय टाइम पर नजर, अपने पर, अपने आप पर नजर। यह ऐसा खेल है जिसमें एक ही ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। ये अनुच्छेद पढ़ने को कही मैं और लिखने को भी कही बेटा। नीचे देखो, फुटबॉल सच्चाई का खेल है, एस ट्रुथ से खेला जाता है, यह प्रेम का खेल है, अगर हम हार गए सो हम सैड में नहीं रहना चाहिए, दूसरों से वैर भाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विपक्षी पर हम प्रेम से ही बात करना चाहिए, और इसमें जो वैर भाव रखे, जो द्वेष रखता है, वो कभी जीतेगा नहीं। जब हारेगा तो भी प्रेम से अच्छा बर्ताव करना और कुछ मन में खोटी नहीं लगाना, और वह खिलाड़ी नहीं होता अगर मन में, अगर हम हार गए विपक्षी जीते तो हम क्या करना चाहिए, बहुत आगे नेक्स्ट कैसा जीत हमारा होनी चाहिए ऐसा सोचना, बल्कि वो कैसे, वो टीम वाले कैसे जीते ऐसा, उनके ऊपर क्या नहीं रखना, वैर भाव नहीं रखना चाहिए, वैर भाव नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना चाहिए, करना क्या, नहीं करना, नहीं करना चाहिए। दो पक्ष है, एक जीतेगा तो कंपलसरी दूसरा हारेगा। बेटा कितने पक्ष? दो टीम। सो एक तो कंपलसरी जीतेगा, कंपलसरी जीतेगा, अगेन वन पर्सन हारेगा, हारेगा। जब हारेगा तो नेक्स्ट टाइम कैसा खेलना वो सीखना चाहिए। सो जो जीत हुई उनके ऊपर गुस्सा करना, द्वेष करना, वैर भाव करना, मन में खोटी लगाना, सो ये सब नहीं करना, अगर करे तो वो खिलाड़ी बन सकता क्या? नहीं बनता। सो यह देखो, एक जीतेगा तो और दूसरा हारेगा, इसमें नाराजगी या वैर भाव की क्या बात है? नाराज, बहुत सैड हो जाना नहीं करना चाहिए। इस बार हारोगे, दिस टाइम मेरा, मैं हार गई, सो नेक्स्ट टाइम मेरा जीत होगा शायद, हमारे मिस्टेक्स क्या है वो देखकर हम जीतने का प्रयास करना, बल्कि विपक्षी पर हम द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जीतने की कोशिश करो, विपक्षी अगर जीतता है, ऑपोजिशन वाले अगर जीतेंगे तो उसके खेल को समझो, वो कैसा खेला, वो कैसा जीता, विपक्षी कैसे जी, विपक्षी का कैसा जीत हो रहा है हम ये देखना, और हमारा मिस्टेक्स क्या है, हमारे गलतियां क्या हैं, हम वो सुधारने की कोशिश करके नेक्स्ट टाइम कैसे जीतना, वो सावधानी से जीत कोशिश करना, प्रयास करना, तो हम कंपलसरी हमारा भी विजय होगा। सो जीतने की कोशिश करो, विपक्षी अगर जीतता है तो उसके खेल को समझो, वो कैसा खेला, कैसा जीता, समझकर खेलो और उसकी सराहना करो, अपनी हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो। अगर हम हार गए तो भी हम सीखते हैं, अगर हम जीते
तो भी हम सीखते हैं, नेक्स्ट भी हम जीतना चाहिए, अभी जीते तो नेक्स्ट कैसा जीतना और भी जीतना वैसा सीखना। लेकिन विपक्षी पर हम द्वेष रहना क्या रखना क्या नहीं रखना चाहिए। आज तक अप टू नाउ मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, दे आर सेइंग दैट स्टूडेंट्स सेइंग अप टू नाउ हम बड़ी खेल में नहीं खेले, पार्टिसिपेशन नहीं किए, बड़ी टीम में नहीं खेला, पर एक दिन मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में ज़रूर खेलूंगा। दैट बॉय सेइंग अप टू नाउ मैं खाली गली में और स्कूल में खेल रहा हूँ, लेकिन बड़ी टीम में नहीं खेला, देश के लिए मैं कंपलसरी खेलूंगा। वो कौन सा काल है बेटा? फ्यूचर टेंस। यहाँ देखो, मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में जरूर कंपलसरी जरूर खेलूंगा। देखो बेटा, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर, भविष्य। अप टू नाउ मैं नहीं खेला, कहाँ नहीं खेला? बड़ी टीम में। कहाँ नहीं खेला? बड़ी टीम में नहीं खेला। कहाँ खेल रहा है बच्चा? घर में, अड़ोस पड़ोस में, ग्राउंड में और पाठशाला में। सो बच्चे का ध्यान क्या है? अप टू नाउ नहीं खेला, लेकिन मैं अपने ही देश की किसी में बड़ी टीम में पार्टिसिपेशन कंपलसरी करूंगा, जरूर यानी कंपलसरी खेलूंगा। विच टेंस है ये? भविष्य काल में कहता है बच्चा। सो यही नहीं, मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ, दूसरे देश में, अपने देश में बड़ी टीम में खेलना चाहता हूँ और बाहर भी, दूसरे देश में भी मैं कंपलसरी खेलूंगा और खेलना चाहता हूँ। आज नहीं तो टुडे नॉट बट टुमारो कंपलसरी। सो आज नहीं तो कल मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। दैट बॉय सेइंग आज नहीं खेल रहा हूँ लेकिन कंपलसरी आई विल प्ले फ्यूचर में। सो यहाँ देखो, वर्तमान में लगाओ बेटा। मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में जरूर खेलूंगा। कौन सा काल है? भविष्य काल। इस भविष्य काल को वर्तमान में चेंज करो। मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में खेल रहा हूं, खेल रहा हूं। सो देखो बेटा, ये कौन सा काल है? भविष्य, वर्तमान। भविष्य को हम कौन से इसमें चेंज कर दिए? वर्तमान, खेल रहा हूं। कौन सा है बेटा? वर्तमान में। सो इसी को हम भूतकाल में चेंज करेंगे। मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में खेला था, खेला था। ये कौन सा है? भूतकाल। ये कौन सा काल है नाना? भूतकाल। सो ये भूतकाल, ये वर्तमान काल। सो ये पाठ में क्या कहा बच्चा? मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में जरूर कंपलसरी आई विल प्ले। आई विल बोल के आया फ्यूचर टेंस। इसको हम क्या करें? वर्तमान में चेंज करें। खेल रहा हूं, वर्तमान, खेला था। मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में खेला था। मैंने आता भूतकाल में, मैंने अपने देश की, मैंने अपने देश की किसी बड़ी टीम में खेला था। सो खेला था कौन सा टेंस है बेटा? खेला था, भूतकाल, खेलूंगा कौन सा है बेटा? खेलूंगा कौन सा है? भविष्यकाल, वेरी गुड। खेल रहा हूं कौन सा काल है? वर्तमान काल। सो यह फुटबॉल खेल है, बहुत अच्छा है। तुम सब भी पाठशाला स्टार्ट होने के बाद बेटा एक बार हमारे ग्राउंड में भी, यहाँ पाठशाला के ग्राउंड में ये फुटबॉल कंपलसरी मैं सबको दो टीम बनाकर
खेल दिखाऊंगी। ओके ना बेटा, सो ये पाठ पढ़कर और भूतकाल का, भविष्य काल का और वर्तमान काल का एक ये पाठ में से किसी एक लाइन लेकर तुम तीन बार बनाओ। कंपलसरी प्रयास करने से तुमको अच्छे अंक मिलेंगे। तुम ए लाइन नहीं, दूसरा कुछ भी एक लाइन लेकर, एक वाक्य लेकर भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में लिख कर रखो। आज का डेट डालो बेटा, पाठ पूरा पढ़ो और फिर नोट्स कंप्लीट करो।